भाई जैसे एक बार की बात है कि मेरे स्टाफ में जो है 8-10 लोग काम किया करते थे, ठीक है, भोपाल की बात है, पुरानी बात है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 8-10 लोगों को ने सोचा एक बार कि चलो एक भोपाल के पास में एक डैम है, कोई वहां पे हलाली डैम है, कोई डैम है, तो डैम पे चलते हैं, एक पिकनिक मनाएंगे, ठीक है। तो सब सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ डैम पर, जो है वो पिकनिक के लिए पहुंचा, है ना। अब मेरी जो कार थी उस कार में जो है वो, अब जो 10 लोगों का स्टाफ था वो सारे लोग टाइपिस्ट थे और अलग अलग कोई रिसेप्शनिस्ट था, अलग से सब काम वो संभाला करते थे। के एक आध दोस्त में जो है एक नर्स थी, उसमें एक जो है वो अब जो है बाकी दूसरे जो छोटे मोटे काम करने वाले असिस्टेंट थे वो था, ठीक है। मेरी जो कार थी वो कार जो है वो उसको लेके हम लोग डैम तरफ कहीं गए वहाँ पे, और बाकी लोग जो है वो बाइक माइक इन सबसे अपने आप पहुँच चुके थे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, सुनिए बात करते, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवांटेज कैसे मिलता है कोई छिपी हुई इन्फॉर्मेशन का। अब जब वहां पहुंचे डैम में तो अचानक से क्या हुआ कि मेरी उस समय मेरे पास फोर्ड आइकॉन कार हुआ करती थी, वो कार बंद पड़ गई जब लूटने लगे, पिकनिक वगैरह में आ गए, कार बंद पड़ गई। अब समझ में ना आए कोई कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही हो, तो उतने में से जो है वो मैंने कोशिश किया कई बार कि भाई प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें। अब चूंकि डैम का एरिया था तो वहां तक जो है किसी की हेल्प मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो 10 लोगों में से जो है एक आदमी एक उनमें से सामने आया, उसने बोला सर मैं आपकी हेल्प करूं क्या। मैंने कहा तुम जानते हो कार के बारे में, उसने कहा सर मैं पहले मैकेनिक था और मेरे फादर मैकेनिक थे, तो मैं बहुत सारा काम जानता हूं कार का, आप गाड़ी सुतरो मैं ठीक करता हूं। उसने जो है आया और उसने आके बकायदा जो है वो अपना देखा, स्टार्ट करके बोनट वोनट खोला और उसने मेरी कार को फिक्स कर दिया और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब उन 10 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो उस समय निकल के सामने आया, और मान लो उस समय हमको कार से कहीं जाना होता, भागना होता, तो वो आदमी जो है सबसे एक्सपर्ट था, जिसको उस गाड़ी को फिक्स करना आता था, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता था। जब तक वो पार्टी चल रही थी, पिकनिक चल रहा था, मैं जानता ही नहीं था कि इनमें से कौन आदमी ऐसा जो कार का एक्सपर्ट है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति सामने आई, एक इंटेलिजेंट आदमी निकला, उसने कहा सर मेरे को इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, आई डिफर फ्रॉम ऑल दिस, इनको नहीं मालूम मुझे मालूम है। एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला या नहीं मिला भाई, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है के इसका इवोल्यूशन से संबंध है। इसका संबंध केवल इस बात से कि सूचनाएं छिपी होती हैं, मतलब 10 के 10 लोगों में वह किसमें क्या। अब हो सकता है उनमें से कोई एक आदमी में खूबी हो कि पतंग बहुत ऊपर उड़ाता हो, अपने को नहीं मालूम। उनमें से एक आदमी में खूबी हो कि बहुत बढ़िया किशोर कुमार के समान गाता हो, पर बाकी नो के बारे में नहीं मालूम अपने को, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब तक परिस्थितियां वैसी नहीं आती है, हमको टैलेंट के बारे में पता नहीं चलता है, हमको योग्यता के बारे में पता नहीं चल पाता है।